नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा में आपका स्वागत है। आज आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना क्या है, किन बालिकाओं का को इसका लाभ मिलेगा, कितनी किस्तों में कब कब और कैसे आपको पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल सेवा। सबसे पहले तो इस योजना के बारे में बात करते हैं कि योजना किसके लिए है और क्यों ये योजना लाई गई थी। तो इस योजना की बात करें तो यह योजना सिर्फ शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लाई गई है, ताकि बालिका कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ सके। योजना का लाभ किन बालिकाओं को मिलेगा, कौन सी बालिकाएँ इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप जानते हैं। देखते रहिए हमारा वीडियो। इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिन बालिकाओं का जन्म 1 जून 2016 को या फिर इसके बाद जन्म हुआ हो। जी हाँ, 1 जून 2016 या फिर इसके बाद जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है, रिकॉर्डेड उनका रजिस्टर्ड जो कार्ड बनता है, ममता कार्ड, उसके द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए हॉस्पिटल के द्वारा, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ये पहली किस्त जो है जन्म के समय को 2500 रुपये की किस्त दे दी जाती है। ये जो किस्त है 2500 रुपये वाली, ये इनको जन्म के समय ही दे दी जाती है। और दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त जो है टीका लगने के बाद, टीका जैसे लगते हैं उसके लगने के बाद 1 वर्ष के जो पूरे टीके लग जाते हैं, जैसे ये टीके का चार्ट होता है, इसको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर नर्स के द्वारा ये भरा जाता है और ये टीका कार्ड होता है, ये 1 साल तक, मतलब बोले तो पहला जन्मदिन जब आता है उसको 1 2500 रुपये की किस्त दूसरी मिल जाती है। अब तीसरी किस्त की बात करें जो होती है पहली कक्षा में प्रवेश लेने की 4000 रुपये वाली, इसी को लेकर अब एक विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि जिसके आवेदन मांगे गए हैं वो आवेदन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली पहली कक्षा में पढ़ने वाली बालिका के लिए ही ये योजना काम करेगी, उन्हें ही एक 4000 रुपये की किस्त मिलेगी। प्राइवेट के लिए कोई मान्य नहीं है, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका के लिए ये किस्त नहीं मिलेगी। तो ध्यान रहे कि ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए ही एक योजना है। और दूसरी बात यह है कि ये 4000 रुपये वाला जो फॉर्म है वो सरकारी विद्यालय द्वारा ही भरा जाएगा, जो कि संस्था प्रधान जो होते हैं उनकी आईडी होती है स्कूल की, जो शाला दर्पण पर होती है, उसको लॉगिन करके वो स्वयं भरेंगे। लेकिन इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज वो मांग रहे हैं, क्या इसके लिए उनको देना है, आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करके देना है, तो ये इसकी जानकारी आप वीडियो में बने रही है, लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली किस्त जो कि है 6000 रुपये की, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये वाली। ये कक्षा 6 में जैसे ही आप प्रवेश लोगे सरकारी विद्यालय के अंतर्गत, या फिर पहले से ही सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 में आपका प्रवेश हो जाएगा, उस समय विद्यालय द्वारा आपको इसी तरह से आवेदन मांगा जाएगा, या फिर पहले जो भर चुके हैं जिनको 4000 रुपये वाली किस्त मिल चुकी है, उनका 6वीं कक्षा में, अब वर्तमान में जो बालिका पढ़ रही है तो उनका अब 6ठी क्लास वाला फॉर्म आएगा 5000 रुपये वाला, तो इसको संस्था प्रधान या संस्था कक्षा अध्यापक कक्षा 6 में पढ़ने वाली या कक्षा 1 में प्रवेश लाने उनके स्वयं के द्वारा भरा जाएगा। वो अपने दस्तावेज मांगेंगे और वो अपन को दस्तावेज देने हैं, और वो कौन कौन से देने हैं वो हमें बताएंगे वीडियो में आगे। इसी तरह से कक्षा 10 और कक्षा 12 तक, कक्षा 10 में प्रवेश जैसे जाएगा बालिका का तो 11000 रुपये की किस्त खाते में उनके में डाल दी जाएगी। कक्षा 12 में जैसे ही वो प्रवेश जाएगा, प्रवेश लेंगे बालिका या पहुँचेंगी 12वीं में, तो 25000 रुपये की किस्त उनको उनके खाते में डाल दी जाएगी। इसी तरह से उनका है सरकार का मतलब है कि बालिका कम से कम 12वीं क्लास तक सरकारी विद्यालय में पढ़ें। ये गलत बात है कि सरकारी विद्यालय में ही पढ़ना ज़रूरी है, ये सरकार को नियम है। हालांकि अभी आगे पता नहीं, ये बदल रहे हैं सरकार, वो बात अलग है, लेकिन अभी सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं उन्हीं को ही मिलेगा, प्राइवेट वाली बच्ची के लिए कोई भी योजना ये काम नहीं करेगी। इस प्रकार जन्म से लगा के कक्षा 12वीं तक ये आपको 50000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होगी। पहली और दूसरी किस्त लगभग सभी को मिल जाती है, वो हॉस्पिटल के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर नर्स के द्वारा
फॉर्म भरवा के हॉस्पिटल में कागजात जमा करवा के जन्म प्रमाण पत्र हुए, बैंक की पासबुक हुई, जन आधार कार्ड हुए, इस प्रकार से ये मिल जाती है। लगभग बात हो रही है अब सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेने पर, ओनली सरकारी विद्यालय की बात यहाँ पर हो रही है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को चार हज़ार रुपये की किस्त जो मिलेगी उस पर बात हो रही है इस समय। जिन अभिभावकों की बालिका पहली कक्षा में है इस समय, तो वो 14 फरवरी 2022 से लगा के 28 फरवरी 2022 तक आवेदन मांगे गए हैं। अभिभावक ध्यान दें कि अपना जहां बालिका पढ़ रही है वहां जाके और संस्था प्रधान से बात करके पूछे कि कौन कौन से दस्तावेज आपके ज़रूरत है उन्हें और क्या क्या उन्हें देना है ताकि अपने लिए किस्त 4000 रुपये वाली मिल सके। एक और चीज़ ध्यान रहे कि यह योजना, इस योजना का लाभ सिर्फ दो बालिकाओं को, जीवित दो संतानों को ही दिया जाएगा। ऐसा भी कई परिवार में हो जाता है, दो बच्चे हैं, एक खत्म हो गई है, एक बच्ची जीवित है, तो उन्हें दूसरी बच्ची को भी लाभ मिल जाएगा एक खत्म होने के बाद, लेकिन दो जीवित है तो दो संतानों को ही इसका लाभ मिलेगा।